हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइल्स एट होम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। आज मैं आपके साथ एक और क्यू कार्ड डिस्कस करूँगी। अगर आप अपना एग्ज़ाम जनवरी टू अप्रैल के बीच दे रहे हैं तो हो सकता है ये क्यू कार्ड आपको आ जाए, वेदर एकेडमिक और जीटी। तो आज का क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ पिक्चर और फोटोग्राफ इन योर रूम होम दैट यू लाइक। एक फ़ोटोग्राफ, एक पिक्चर के बारे में आपने बात करनी जो आपके घर में है और आपको पसंद है, ठीक है। वट इज़ अबाउट, वो क्या है। वेयर इज़ इट इन योर होम, वो आपके घर में कहाँ है। हाउ यू गॉट इट, आपको वो कैसे मिले। वाई यू लाइक इट। अब ध्यान से देखिए, इनमें चारों क्वेश्चन में प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट। तो इसके ध्यान में देखिए आपने क्यू कार्ड बनाना है, ठीक है। सिंपली स्टार्ट करना है, कोई क्रैम नहीं है। इंट्रोडक्शन की ज़रूरत इतनी नहीं होती है। द रीज़न इज़ कि 2 मिनट्स जो होते हैं उसमें जो इंटरव्यूअर है उसको उसे ना आपका प्रॉपर जज करना होता है। अगर आप अननेसेसरी लाइन्स बनाते हो जिसका कोई टॉपिक से रिलेशन ही नहीं है तो काइंड ऑफ ऑफ द टॉपिक जाता है और एग्जामिनर समझ आ जाता है कि आप सिर्फ 2 मिनट को कंप्लीट करने के लिए वो अननेसेसरी लाइन्स बोल रहे हो और वो आपके नेगेटिव मार्क्स में जाएगा। ओके, सो सिंपली स्टार्ट। हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई फेवरेट पिक्चर इन माई होम। मेरे घर में एक फेवरेट पिक्चर है मेरी, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आई वॉज 12 ईयर ओल्ड वैन माई फादर क्लिक्ड टेंस दैट पिक्चर ड्यूरिंग माई एनुअल डे फंक्शन। मेरे एनुअल डे फंक्शन के दौरान मेरे फादर ने वो पिक खींची। द पिक्चर इज़ प्रेजेंट टेंस, इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज दैट डे आई वॉन माई फर्स्ट प्राइज। मैं अपनी ज़िंदगी का पहला प्राइज जीता था, इस कारण वो जो पिक्चर है वो बहुत स्पेशल है। एंड टू रिमेंबर दैट डे, और उस दिन को हमेशा याद करने के लिए, दैट डे माई फादर फ्रेम्ड दैट पिक्चर, और मेरे फादर ने वो पिक्चर को फ्रेम्ड किया, पास्ट टेंस। ओके, दिस फोटोग्राफ इज़ हैंगिंग इन द लिविंग रूम। लिविंग रूम में हैंगिंग हो रही है ऑफ माई हाउस विद अदर फैमिली पिक्चर्स। और फैमिली पिक्चर्स भी हैं बट ये लिविंग रूम में है। कहाँ पे है, वेयर यू है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इन दिस फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ में क्या है, क्या दिख रहा है। आई एम वेयरिंग माई स्कूल यूनिफॉर्म, मैंने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है विद अ ब्रॉन्ज मेडल इन माई नेक। और मेरे नेक में क्या है, एक ब्रॉन्ज मेडल है। आपको पता है जो विनर होता है उसे गोल्ड मिलता है, फर्स्ट रनर अप को क्या मिलता है, सिल्वर, और जो सेकेंड रनर यानी थर्ड प्राइज है वो क्या है, ब्रॉन्ज मेडल। एंड इन द बैकग्राउंड देर इज़ माई स्कूल बिल्डिंग, और जो उसका बैकग्राउंड है उसमें क्या है, स्कूल बिल्डिंग। ये प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि अब पिक में क्या दिखा रहा है तो आपने वो प्रेजेंट में बोलना है, ठीक है। दैट डे, उस दिन क्या हुआ, दैट डे आई ओवरकम माई फोबिया ऑफ बींग ऑन द स्टेज एंड फेसिंग ऑडियंस। उस दिन मैंने अपना जो फोबिया था, फोबिया का मतलब होता है फियर, कि स्टेज पर जाने का, ऑडियंस को फेस करने का, वो सही हो गया था मेरा। इन दिस फोटोग्राफ आई एम लुकिंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम नाउ, मैं टोटली डिफरेंट लग रहा हूँ अपनी आज से उस पिक्चर में। ऑब्वियस अब आप 18 ईयर्स के हो, तब आप 12 ईयर्स के थे। आपको याद है, आई सर्टनली रिमेंबर आई वॉज वेरी नर्वस ड्यूरिंग माई स्पीच। स्पीच टाग के दिया था मैंने, उसके दौरान मुझे वो प्राइज मिला। आई वॉज वेरी नर्वस ड्यूरिंग माई स्पीच बट समहाउ आई मैनेज टू स्पीक। मैं नर्वस हो गया था पर मैं किसी तरह बोलता रहा, मैनेज वॉज, ठीक है। आई गॉट थर्ड प्राइज एंड दैट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस। मुझे थर्ड प्राइज मिला और मुझसे मुझे क्या हुआ, कॉन्फिडेंस, पास्ट टेंस। माई मदर ऑल्सो रिकॉर्डेड माई इंटायर स्पीच ऑन माई हर मोबाइल फ़ोन। उन्होंने मेरी सारी स्पीच किस पर रिकॉर्ड की, अपने मोबाइल फ़ोन पर। When I look this at this picture, आज जब मैं इस पिक्चर की तरफ देता हूँ, I can relive the moment of my first victory. वो पिक्चर क्यों स्पेशल है, आपको इतनी क्यों पसंद है, क्योंकि जब भी आप उस पिक्चर को देखते हो तो आप यू कैन रीलिव जो वो मोमेंट था जब आप जीते थे, आपकी पहली विक्ट्री, आपको वो याद आ जाता है। इवन टुडे वेन आई नीड मोटिवेशन ट्राई समथिंग न्यू, जब भी मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, समथिंग कुछ नई चीज़ ट्राई करनी है लाइफ में, कोई नया गोल अचीव करना है, आई लुक एट दैट पिक्चर, मैं उस पिक्चर की तरफ देखता हूँ। एवरी डे दिस फोटोग्राफ्स मेक्स मी बिलीव दैट आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। जब भी मैं इस पिक्चर को देखता हूँ मुझे लगता है मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन अकम्प्लिश एवरी चैलेंज दैट कैन कम इन फ्रंट ऑफ मी, मैं हर वो चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता हूँ, फाइट कर सकता हूँ जो भी मेरी ज़िंदगी में आएगा। सो ये था, आपने बताना था फोटो,
एक पिक्चर, कहाँ है, क्यों ली गई थी, क्या फील करते हैं, कैसी थी, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडे क्यू कार्ड गाइज, आई होप आपको ये समझ आ गया। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड डू वेल, कीप फोकस, डोंट लूज होप, यू विल गेट योर डिजायर्स को। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।